जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नितेश जी के स्टडी IQ पर। आज की वीडियो में हम जियोग्राफी के परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो अब बिना वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित था? इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे मुंबई में। मतलब भारत का पहला हवाई अड्डा बॉम्बे मुंबई में स्थित था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखेंगे। पॉइंट नंबर एक है आपका, बंबई मुंबई वह स्थान है जहां भारत का पहला हवाई अड्डा स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, जुहू एरोड्रम के नाम से जाने जाना वाला यह हवाई अड्डा 1928 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह टाटा एयरलाइंस जो बाद में एयर इंडिया बन गई के संचालन के लिए आधार के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, जुहू हवाई अड्डा आज भी चालू है और इसका उपयोग मुख्य रूप से सामान विमानन और हेलीकॉप्टर परिचालन के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सी का, भारत के विमानन इतिहास के प्रारंभिक बिंदु के रूप में इसका ऐतिहासिक महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है, जुहू हवाई अड्डा 1932 में टाटा एयरलाइंस द्वारा भारत की पहली अनुसूचित वाणिज्यिक मेल सेवा का स्थल था। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने सैन्य अभियानों के लिए आधार के रूप में कार्य करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, एयर इंडिया द्वारा संचालित भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी 1948 में जुहू हवाई अड्डे से शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी का, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई का प्राथमिक हवाई अड्डा है, जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों उड़ानों का संचालन करता है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। जुहू हवाई अड्डे की विरासत को भारत के विमान इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलचर को पोरबंदर से। मतलब पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। सबसे पहले पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, इसके बारे में देखते हैं। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल राजमार्ग परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश भर में सड़क संपर्क में सुधार करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये असम के सिलचर, उत्तर पूर्व भारत से गुजरात के पोरबंदर, पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के साथ जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, जिसे देश भर में संपर्क बढ़ाने और यात्रा समय कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का, लंबाई इसकी लगभग 2300 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सी का, ये असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे प्रमुख राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कॉरिडोर भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच परिवहन और व्यापार को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है? इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NH-28। मतलब निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से NH-28 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम वो देखेंगे। पॉइंट नंबर एक है आपका, NH-28 मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27, NH-78 और NH-79 सभी मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क भारत के बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, NH-28 मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से होकर गुजरात से गुजरता है, लेकिन मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है साथी, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश की अंतरराज्यीय यात्रा और माल और लोगों के परिवहन के लिए प्रमुख सड़कें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्याकन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश केंद्र में स्थित होने के कारण कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है, जो व्यापार और यात्रा को सुविधाजनक बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, NH-27 भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है, जो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक चलता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे नहीं है? इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस अफ्रीकी रेलवे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे।
पॉइंट नंबर एक आपका ट्रांस अफ्रीकी रेलवे एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे एक ट्रेन लाइन है जो एक महाद्वीप में चलती है और समुद्र या महाद्वीप के विपरीत किनारों पर टर्मिनलों को जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, वे वाणिज्यिक और राजनीतिक कारणों से कई दिशाओं में विस्तारित यात्राओं की अनुमति देने के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत तट पर व्लादिवोस्तोक तक मास्को उफा नोवोसिबिर्स्क इरकुत्स्क चिता और खाबरोवस्क से गुजरते हुए चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी कुल लंबाई की बात की जाए 9332 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, लंबाई हो गई इसकी 9332 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांस कनाडाई रेलवे मॉन्ट्रियल ओटावा विन्नीपेग और कैलगरी से गुजरते हुए प्रशांत तट पर पूर्व में हेलिफैक्स से वैंकूवर तक चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी कुल लंबाई लगभग 7050 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे पश्चिमी तट पर पर्थ से पूर्वी तट पर सिडनी तक चलती है, कलबुर्ली ब्रोकन हिल और पोर्ट ऑगस्टा से गुजरते हुए। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो वह 1693 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, पांगयोंग हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सिक्किम राज्य में, मतलब पांगयोंग हवाई अड्डा सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम वो देखेंगे। पॉइंट नंबर एक है आपका, पांगयोंग हवाई अड्डा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिक्किम राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा है और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। अब नीचे कुछ हवाई अड्डा और राज्य उन्हें देख लेते हैं। पांगयोंग हवाई अड्डा सिक्किम राज्य में है। इसके बाद में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम राज्य में। इसके बाद में पासीघाट हवाई अड्डा ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है साथियों, आगे आपका दीमापुर हवाई अड्डा ये आपका नागालैंड राज्य में है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को किस रूप में भी जाना जाता है? इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय जलमार्ग एक के रूप में, मतलब प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग एक के रूप में भी जाना जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम वो देखेंगे। पॉइंट नंबर एक आपका, गंगा भागीरथी उगली नदी को 1986 में हल्दिया और इलाहाबाद के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक NW1 के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, NW1 की कुल लंबाई की बात की जाए तो वह लगभग 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में नदियों नहरों झीलों की कुल लंबाई 6444 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में इनमें से किस पत्तन को न्यू मंगलोर पत्तन के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पानम्बर पत्तन को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम वो देखेंगे। पॉइंट नंबर एक आपका, पानम्बर बंदरगाह को न्यू मंगलोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के पूर्वी छोर पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोरमुगाव गोवा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो जुआरी मुहाना के प्रवेश द्वार पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, तूतीकोरिन बंदरगाह की बात की जाए तो वह तमिलनाडु में स्थित एक बंदरगाह है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांडला, मतलब निम्नलिखित बंदरगाहों में से कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम वो देखेंगे। पॉइंट नंबर एक है आपका, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे व्यापार मुक्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कार्गो की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांडला आधिकारिक तौर पर दीनदयाल बंदरगाह गांधीधाम शहर के पास पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक बंदरगाह और शहर है। नेक्स्ट पॉइंट है, कच्छ की खाड़ी पर स्थित ये पश्चिमी तट पर भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पाकिस्तान में कराची बंदरगाह से लगभग 256 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में और मुंबई बंदरगाह के उत्तर पश्चिम में लगभग 430 समुद्री मील की दूरी पर है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, कांडला बंदरगाह का निर्माण 1950 के दशक में पश्चिम भारत की सेवा करने वाले मुख्य बंदरगाह के रूप में किया गया था। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, अब आपका तमिलनाडु राज्य, इसके बारे में देखते हैं। तमिलनाडु राज्य में कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह है। किसके लिए? कृत्रिम बंदरगाह है, दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद में आपका गुजरात राज्य, गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, व्यापार मुक्त क्षेत्र के रूप में स्वीकृत है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी का माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, आगे आपका तमिलनाडु राज्य, इसे देख लेते हैं। तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह है, दक्षिण भारत में एक प्रमुख बंदरगाह है ये, उर्वरकों और पेट्रोकेमिकल उत्पादों में संबंधित है। आगे आपका आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह है। जापान को लौह अयस्क के निर्यात से संबंधित है ये,
और जहाजों के निर्माण और फिक्सिंग की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में। मतलब भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। पॉइंट नंबर एक, आपका भारतीय प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में तमिलनाडु स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु में प्रमुख बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एनोर बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनोर तमिलनाडु में एक इको फ्रेंडली बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट है, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में दूसरा सबसे बड़ा संग्रही बंदरगाह है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अब तमिलनाडु राज्य इसके बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु राज्य के गठन की बात की जाए तो वह 1 नवंबर 1950 को हुई थी। राजधानी इसकी चेन्नई हो जाएगी। आधिकारिक भाषा यहाँ की तमिल हो जाएगी और पोंगल तमिलनाडु के महत्वपूर्ण पारंपरिक त्योहार है। नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु के नीलगिरी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। नेक्स्ट पॉइंट है, मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है जो चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु को स्थानीय राजनीतिक दलों का किला कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी का तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने अपने पंचायतों का पूर्ण कंप्यूटरीकृत कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, विधानसभा हाल में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट पॉइंट है, शास्त्रीय और प्राचीन द्रविड़ भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा तमिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में नीलगिरी है। केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण पहाड़ में पहाड़ों की रानी तमिलनाडु में ऊटी है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान तमिलनाडु में कोयम्बटूर है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई में है। ठीक है साथियों, ये तमिलनाडु राज्य के इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? इसके आंसर कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम वो देखेंगे। पॉइंट नंबर एक है, आपका वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एक सीमा शुल्क हवाई अड्डा है जो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इसे मूल रूप से पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा कहा जाता था लेकिन 2002 में इसका नाम बदलकर वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। ठीक है साथी, आपको कुछ शहर और हवाई अड्डा है उन्हें देख लेते हैं। मुंबई शहर में कौन सा हवाई अड्डा है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद में चंडीगढ़ शहर है, यहाँ पर कौन सा है? भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद में दिल्ली है, यहाँ पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है साथी, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। मतलब भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखेंगे। पॉइंट नंबर एक, आपका भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी का इसका नाम घूम रेलवे स्टेशन है जो 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये दर्जिलिंग हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी का ये विश्व का 14वां सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है, सी का चीनी रेलवे का तांगुला रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में मोरमू गांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवा राज्य। मतलब मोरमू गांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। सबसे पहले है मुंबई बंदरगाह, इसके बारे में देखते हैं। ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और हार्बर भारत है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ये। नेक्स्ट पॉइंट इसी का आगे देखते हैं, मोरमू गांव बंदरगाह, इसके बारे में देखते हैं। ये भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का ये एक खुला प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है साथियों, आगे आपका कोची बंदरगाह, इसके बारे में देखते हैं। ये भारत में केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? कोची बंदरगाह। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी का ये बिलिंगडन द्वीप पर स्थित है। आगे आपका पारादीप, इसके बारे में देखते हैं। ये ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी का ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी का ये आजादी के बाद का पहला मेजर पोर्ट था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी का पानमपुर पोर्ट को न्यू मंगलोर पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांडला पोर्ट कच्छ की खाड़ी के पूर्वी छोर पर स्थित है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार मुर्मू गांव गोवा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो जुवारी मुहाना के प्रवेश द्वार पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में स्थित एक बंदरगाह है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी घाट में कहां पर सबसे बड़ा अंतराल है? इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पालाघाट। मतलब पश्चिमी घाट में पालाघाट पर बड़ा अंतराल है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम वो देखेंगे। पॉइंट नंबर एक है, आपका पश्चिमी घाट में पालाघाट पर बड़ा अंतराल है। नेक्स्ट पॉइंट है,
पालाघाट दर्रा या पलक्कड़ दर्रा केरल का सबसे बड़ा दर्रा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे केरल के प्रवेश के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पलक्कड़ पास केरल के पड़क्कड़ जिले और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पलक्कड़ भारत में पहला कंप्यूटरीकृत समाहर्ता कार्यालय है। नेक्स्ट पॉइंट है, पलक्कड़ भारत में पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत जिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, पलक्कड़ बैंकिंग सुविधा से युक्त भारत का पहला जिला है। आगे देखते हैं इसी प्रकार, साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, पलक्कड़ का किला हैदर अली द्वारा बनवाया गया था। ठीक है साथी, आगे देखते हैं मंगलौर, इसके बारे में देखते हैं। मंगलौर को गेटवे ऑफ कर्नाटक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगलौर को पूर्व के रोम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगलौर को भारत की आइसक्रीम की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, आगे आपका मदुरई, इसके बारे में देखते हैं। मदुरई को त्योहारों के शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मदुरई को तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मदुरई बैगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है साथियों, आगे आपका मणिपाल, इसके बारे में देखते हैं। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय मणिपाल में स्थित है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना ICF निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए पटियाला, बी पेरम्बर चेन्नई, सी चितरंजन, डी बेंगलुरु। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं आपका स्कोर कितना रहा, मतलब इस वीडियो में से आपको पहले से कितने प्रश्नों के जवाब पता थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।